us apart and bury me all in my head alone. Hi guys, welcome back to my channel. Actually, आज मेरा ये जो वीडियो है सुजुकी एक्सेस, इसका एक छोटा सा मैं रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैं ये गाड़ी सेल कर रहा हूँ. मतलब कुछ ही दिन में मैं ये सेल पे डालूँगा OLX या फेसबुक पे, तो आई होप सेल हो जाएगा. तो मैंने ये गाड़ी लिया था 2019 पे. एक्चुअली ये 2010 मॉडल है, तो मैंने ये गाड़ी लिया था 2019 पे अप्रैल महीने पे बेंगलोर पे. ये के रजिस्टर नंबर है, आप देखो. सो उस टाइम पे जो दोनों टायर था नया था, बैटरी कुछ ही दिन, मतलब गाड़ी लेने के एक साल या दो साल के आसपास मैंने बैटरी चेंज किया था. और लगभग मतलब गाड़ी में, मतलब गाड़ी ऑलमोस्ट उस टाइम पे 50,000 चल चुकी थी ओडो पे. बट उसके बाद ये जो है ये किलोमीटर का जो सुई है ये काम करना बंद कर दिया. इधर भी जो है ये टूट गया, तो इसका एक जुगाड़ मैंने कर दिया. तो एक्चुअली ये टोटली फाइबर है ना, तो इसके लिए एक बार मतलब एक होल में ये गाड़ी मतलब गया था. उस टाइम पे ये जो अंदर का जो पार्ट है टोटली मतलब टूट गया था, तो उस टाइम पे ये जो दोनों सुई है ये टूट गया. तो मैंने ये गाड़ी लिया था 19,000 पे, 19,500 के आसपास बेंगलोर पे, इंक्लूडिंग नेम ट्रांसफर 19,500 मुझको पड़ा था. उसके बाद मैंने सस्पेंशन पे कुछ काम किया था, और बेंगलोर पे जब था एक बार सुजुकी पे नहीं, मतलब नॉर्मल एक सर्विस सेंटर पे मैंने काम करवाया था. 3,000-4,000 का उस टाइम पे बिल आया था. उस टाइम गाड़ी एकदम ओके था. उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल शिफ्ट हुआ, और गाड़ी को भी मतलब मैंने ट्रेन से लेके आया था. उसके बाद इधर मतलब कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता था, क्योंकि एक नंबर ये गाड़ी पुराना है और प्लस बहुत सारा किलोमीटर चल चुकी है इस गाड़ी पे. तो रिसेंटली मैंने जो है ये जो सस्पेंशन का दोनों तरफ जो स्प्रिंग है वो चेंज किया, फोर कॉइल चेंज किया, और जो है इधर जो चेन बेल्ट आता है जो क्लच का, और क्लच का जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो भी चेंज करवाया, और जो है एयर फिल्टर, इंजन ऑयल, ये तो मतलब चेंज करवाया ही था. और मतलब गाड़ी हालांकि मतलब बहुत पुराना हो चुकी था, तो इसके लिए मतलब कुछ ना कुछ काम आता ही था. मतलब कभी हॉर्न बंद हो जाता है, कभी हेडलाइट बंद हो जाता है, मतलब ऐसे ही. तो इसके लिए मैंने अभी डिसीजन लिया कि मतलब ये गाड़ी मैं अभी सेल कर दूँ और कोई दूसरा सेकेंड हैंड स्कूटी देखता हूँ, अगर अच्छा प्राइस में मिल जाएगा तो ले लूँगा. सो मतलब ये वीडियो बनाने का यही मकसद है, अगर आपके पास मतलब 20,000 के आसपास बजट है तो अगर आप ऐसे कुछ गाड़ी देख सकते हो, ले सकते हो, बट हाँ उसमें काम ज़रूर होगा. ऐसे नहीं कि मतलब 20,000 का आपने गाड़ी लिया कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि गाड़ी पुराना हो चुकी है, गाड़ी मतलब ज़्यादा किलोमीटर भी चल चुकी होगी. अगर आपको 20,000 के आसपास कुछ गाड़ी मिलेगा तो स्कूटी या बाइक, तो उसमें काम तो मिलेगा ही मिलेगा. ये मतलब आप चीज़ मतलब माथा पे रख के गाड़ी लो. ऐसे नहीं कि 20,000 पे आपने कुछ गाड़ी लिया उसमें कुछ काम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, काम तो आएगा ही आएगा. और सुजुकी एक्सेस स्पेशली मतलब ये इतना पुराना है, मतलब 13 साल का आसपास पुराना है, बट इसका अभी भी इनिशियल जो है, पिकअप जो है, सब कुछ एकदम बढ़िया है. सिवा की माइलेज की, माइलेज जो है एकदम अच्छा नहीं देता है. ऑलमोस्ट नियरली 15-20 के आसपास KMPL मुझको मिलता है. तो ये भी एक रीज़न है बड़ा सा जिसके लिए मैं ये गाड़ी सेल कर रहा हूँ. मतलब अभी देखो 106 रुपया पर लीटर का मतलब फ्यूल आता है, तो इसमें अगर 15-20 चलेगा तो मैं तो गाड़ी लेके घूमूंगा ना, क्यों मैं स्कूटी लेके घूमूं. तो ये भी एक बात है. तो मैंने इसके लिए सुजुकी से बात किया था, और सुजुकी ने बोला मतलब क्योंकि इतना पुराना गाड़ी है कार्बोरेटर के भी चेंज करना पड़ेगा, और इंजन का भी अगर हो सके तो पिस्टन जो है ये सब भी चेंज करना होगा अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो. इसके लिए मैंने उतना खर्चा नहीं किया इस गाड़ी पे. मैंने डिसीजन लिया ये अभी सेल करके, कोई दूसरा स्कूटी मैं देख लूँगा. तो यही बात है. अभी मैं वीडियो का एंड पे मैं दिखा दूँगा इसका मतलब जो एक्सेलरेशन और मतलब क्या इनिशियल कितना क्या आता है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट थिंग. बट हाँ मैं यही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास इतना बजट है, और मैं एक चीज़ मतलब एक्टिवा मैंने उतना चलाया नहीं, बहुत लोग जो है पुराना एक्टिवा प्रेफर करता है, बट क्योंकि एक्टिवा मतलब 110 cc है, प्लस उसमें थोड़ा सा स्टार्टिंग ट्रैवल आता है. मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक दोस्त का था, मेरे साथ ही वो लिया था. मैंने 2010 का एक्सेस लिया और 2019 का एक्टिवा लिया था, हालांकि मेरे से ज़्यादा प्राइस देखे, बट उसका स्टार्टिंग ट्रैवल आता था और
उतना इंजन रिफाइनमेंट भी नहीं था। तो इसके लिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा एक्टिव के तरफ, मतलब कोई भी अगर एक्टिवा भी लो 125 सीसी का लो, क्योंकि मतलब पुराना गाड़ी है तो 110 सीसी में उतना पावर में नहीं मिलेगा आपको, तो यही एक बात है। सो या दिस इज़ ऑल अबाउट दैट थिंग फॉर सुजुकी एक्सेस रिव्यू 2010 मॉडल। सो अभी गाड़ी का जो है एक बार चला के दिखाता हूँ कितना स्मूथ है इंजन 2010 मॉडल, मतलब 13 साल पुराना हो गया। Calling your name, but only feel the cold. I sense the change in energy. All of my fuels is blown. The fire.